नमस्कार पहले साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। साथियों आज हम चर्चा करेंगे केवीएस एमआरएस और एनयूएस में क्वार्टर हमें किस तरह के मिलेंगे, हमारी पोस्ट कितनी ऊंची है और किस के अकॉर्डिंग हमें हमारी पोस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा क्वार्टर हमें मिलेगा। एक बात और साथियों, मेरी आवाज थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, मैं इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। माइक भी लगा लेता हूँ, बिना माइक के भी रिकॉर्ड करता हूँ, बट फिर भी पता नहीं आवाज में क्या गड़बड़ आ रही है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। चलिए साथियों आज का वीडियो शुरू करेंगे और दूसरी छोटी सी चर्चा करेंगे वेटिंग के ऊपर, तो वीडियो पूरा आपको देखना है। तो साथियों देखो कि केवीएस एमआरएस और एनयूएस में चार तरह के क्वार्टर होते हैं। जो आपका एमआरएस में उसमें अभी तक ये वाला क्वार्टर है उसके ऊपर कोई चर्चा अभी तक मुझे दिखी नहीं है, बाकी मैं आपको एक बार पूरे क्वार्टर आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वार्टर आपको देखने को वहां पे मिलेंगे। तो टाइप फोर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 4 BHK होता है और अल्टीमेट क्वार्टर होता है, शानदार क्वार्टर। इसके अंदर होता है 3 BHK और इसके अंदर होता है 2 BHK और ये होता है 1 BHK। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि किस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्वार्टर मिलने वाला है। तो अगर हम ग्रेड पे की बात करें तो ये होता है 3600 ग्रेड पे के लिए, ये होता है 5400 ग्रेड पे के लिए, प्लस 4800, 4600 और 4200, मतलब अराउंड 2000 तक, 2400 तक मान लो, 2400 लेवल पे तक की जो जॉब होंगी वो उसके अंदर टाइप 3 के अंदर आएंगे। इसके बाद में 2 BHK की अगर हम बात करें तो पे लेवल 2000 और इसमें होगा 1400 से लेके 1900 जो पे लेवल है वहां तक। यानी कहने का मतलब है कि ये जो क्वार्टर है वो ऑफिसर्स के लिए है, और ऑफिसर कौन होते हैं हमारे स्कूल में, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल। तो ये क्वार्टर सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के लिए है। तो ठीक है, कुछ स्कूलों में क्या होता है साथियों, प्रिंसिपल नहीं होता तो वाइस प्रिंसिपल भी इस क्वार्टर के अंदर रह सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर हम बात करें टाइप 3 की तो देखो इसके अंदर पीजीटी बड़े खुश होते हैं कि यार हमें तो इतना बढ़िया क्वार्टर मिला है। इसके साथ में आपके साथ वाइस प्रिंसिपल, तो वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, टीजीटी के अलावा पीआरटी, पीआरटी के बाद में आपके अकाउंटेंट, उसके बाद में यूडीसी और आपके कैटरिंग असिस्टेंट। ठीक है, इनको मिलता है आपका टाइप 3 क्वार्टर। ओके, अब हम बात करते हैं 2 BHK की, जिसको टाइप 2 क्वार्टर बोलते हैं। तो टाइप 2 के अंदर आपके आएंगे कुक, एलडीसी, ड्राइवर और इसके अलावा आपका आएगा ईसीपी। ईसीपी कौन होता है? इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर। तो कुछ साथी सोच रहे हैं कि कुक, मैं फिर पहले एक वीडियो में मैंने पहले बताया कि कुक को छोटा मत समझो, कुक की पोस्ट बहुत बड़ी होती है, लेवल 2 की होती है, एलडीसी के बराबर होता है कुक। तो कुक को कभी भी गलत नहीं आंकना है, कम नहीं समझना है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं 1 BHK की, तो साथियों 1 BHK का जो क्वार्टर होता है वो डी ग्रुप की जो पोस्ट होती है उनमें ये आता है, जिसके अंदर लेफ्टिनेंट, ठीक है, इसके अलावा आपके एमटीएस और भी जो हमारे कर्मचारी हैं जो डी ग्रुप में आते हैं उनको टाइप 1 का क्वार्टर वहां पे अलॉट किया जाता है। तो ये प्रोसेस केवीएस के, ये प्रोसेस एनवीएस के। एमआरएस के अंदर अभी शायद टाइप 1 का क्वार्टर है नहीं, मुझे इसका श्योर याद नहीं है, बट बाकी प्रोसेस यही रहती है। अब इसके अलावा एक पीजीटी की काफी कंप्लेंट रहती है, पीजीटी और टीजीटी की एंड नवोदय की, ओनली नवोदय की मैं बात कर रहा हूँ, नवोदय की पीजीटी और टीजीटी की, एनवीएस के पीजीटी टीजीटी की कंप्लेंट रहती है कि सर हमें हाउस मास्टर में रहते हैं, हाउस मास्टर जो क्वार्टर है वो तो टाइप 2 है, यानी उसमें 2 रूम है, एक बड़ा सा हॉल है, बस कुछ नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा साथियों कि जो हाउस मास्टर क्वार्टर होता है उसमें हॉल इतना बड़ा होता है कि उसमें एक हॉल और एक रूम की जगह होती है, इसलिए उसको टाइप 3 क्वार्टर माना गया है। ठीक है, तो ये बात आपको मैं बता चुका हूं। अब देखो साथियों आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रायोरिटी किसे देंगे नवोदय के अंदर। तो नवोदय के अंदर जो प्रायोरिटी होती है क्वार्टर अलॉट होने की, तो सबसे पहले मिलती है प्रिंसिपल को, उसके बाद में वाइस प्रिंसिपल वीपी, और उसके बाद में हाउस मास्टर एचएम, उसके बाद में जो एसेंशियल स्टाफ है, तो कौन सा होगा एसेंशियल स्टाफ, जैसे नर्स, स्टाफ नर्स, प्लम्बर या जो आपका ईसीपी मान लीजिए ईसीपी, फिर आपके कुक या और कैटरिंग असिस्टेंट, ठीक है, कैटरिंग असिस्टेंट। उसके बाद में जो आएगा पीजीटी का नंबर आएगा, उसके बाद में टीजीटी और उसके बाद में नॉन टीचिंग स्टाफ,
तो ये आपकी प्रायोरिटी रहती है क्वार्टर्स अलॉट होने की नवोदय के अंदर। तो नवोदय और ईएमएस का जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग सेम है, वहां पे आपको हॉस्टल वार्डन देखने को मिल जाते हैं। तो एचएम की बजाय डायरेक्ट इधर से पोस्ट वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वार्टर अलॉट किए जाएंगे। ठीक है साथियों, अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे वेटिंग के ऊपर, ईएमआरएस की वेटिंग के ऊपर। एक साथी का आज कमेंट है तो मैं उसका रिप्लाई करना चाहूंगा। तो कमेंट ये था कि सर चुनाव के बाद में, यानी चुनाव के बाद में क्या वेटिंग आएगी, कि चुनाव के बाद में क्या वेटिंग आएगी, कहीं वेटिंग बंद ना हो जाए। तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि जो वेटिंग का जो मैटर होता है ना, उसके ऊपर चुनाव का इतना कोई इफेक्ट नहीं है। अगर ऑफिसर्स अपने मिनिस्ट्री में ये भेजते हैं कि हमारे बच्चों की जो पढ़ाई है वो खराब हो रही है, प्लीज सर आप वेटिंग के लिए हमें आप मतलब यस बोल दीजिए ताकि हम वेटिंग निकाल सकें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर चुनाव होते हैं तो उसके बाद भी वेटिंग आ सकती है, क्योंकि बच्चों के वेलफेयर को देखते हुए वेटिंग है वो निकाली जाती है। तो उसमें चुनाव का इतना कोई खास रोल नहीं है। अगर एनआरएस या एनवीएस और केवीएस अगर ये चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, बच्चों के वेलफेयर में हमें वेटिंग निकालनी चाहिए, तो ऑफिसर्स अपने लेवल पे भी मिनिस्ट्री से हार लेके अपने लेवल पे वो वेटिंग निकाल सकते हैं। तो चुनाव से डरने की कोई जरूरत नहीं है, जुलाई में भी वेटिंग हमें देखने को मिल सकती है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए साथियों, आज के लिए अपडेट इतनी है। अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। और लाइक लाइक जरूर करो यार, लाइक करना हमें अच्छा लगता है। थैंक यू, धन्यवाद।